आसाम सरकार के माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, आसाम सरकार के माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, एआईयू के जॉइंट सेक्रेटरी एवं ऑल जितने भी सब डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से माय थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ आसाम पर्टिकुलरली फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटिफुल वर्क फॉर लास्ट 11 डेज विच इज़ कंडक्टिंग इन टूडे एट इट्स क्लोजिंग सेरेमनी. एंड एज वी आर डिस्कसिंग दिस इज द फोर्थ यूनिवर्सिटी गेम्स एंड जो चारों एशियन जो चारों यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे अच्छा अरेंजमेंट जो है सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर हुआ है. एक ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे एआईयू के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने सब ध्यान से देखा है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो है 4500 जो बच्चे आए हैं खेलने के लिए उसमें से बहुतों को कुछ मेडल मिला होगा, बहुतों को नहीं मिला है, लेकिन ये 4500 बच्चे जो हैं ये वी कैन सी इनको कैसे सेलेक्ट किया गया है. लास्ट 100 डेज में लगभग 158 चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया है अराउंड 90 यूनिवर्सिटीज थ्रू आउट कंट्री. उसमें से 50,000 बच्चों के बीच में चुन के सिर्फ 4500 बच्चे लाए गए हैं. तो यहाँ पर जो भी आया है ही हिमसेल्फ ही और हरसेल्फ इज ए विनर. यहाँ मेडल मिला कि नहीं मिला बड़ी बात नहीं है, लेकिन खेल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वो एक सबसे बड़ी बात है. और दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मली जितने भी 3 यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो सिर्फ एक ही स्टेट में किया जाता था, लेकिन ये पहली बार है कि हमने नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में, इसलिए इसका नाम अष्टलक्ष्मी दिया गया है, सब स्टेट में वैसे मेजोरिटी 99% काम तो आसाम में हुआ, बाकी हर एक स्टेट में एक एक गेम को चूज किया गया है. तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर कवर्ड अंडर दिस थिंग दिस एसोसिएशन. और लास्ट में मैं जो सबसे इसका जो मेन जो खिलाड़ी मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मेडल जीता, उनको भी बहुत बधाई. और जो नहीं भी जीत पाए आशा है कि ये कोई अगली बार जब कोई गेम होगा खेल होगा वो डेफिनेटली अपना और परिश्रम बढ़ाएंगे. एंड देन और इसमें मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है अभी गुवाहाटी में डेफिनेटली एक माइलस्टोन तैयार होगा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न मतलब आसाम में एक स्पोर्टिंग कल्चर को अधिक बढ़ावा देगा. मैं फिर से गवर्नमेंट ऑफ आसाम को बधाई देना चाहता हूँ और उनके हार्डवर्क के लिए एवं मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.